विशाल और भव्य हिमालय ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। इन पहाड़ों ने न केवल प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि मानव सभ्यता के कई महत्वपूर्ण क्षणों का भी साक्षी रहा है। सदियों से इन पहाड़ों ने कई राज्यों को पनाह दी है, हर एक की अपनी अलग पहचान। यहाँ की घाटियों और चोटियों ने अनगिनत कहानियों को अपने भीतर समेटा है, जिनमें से हर एक कहानी अपने आप में अनूठी है। उनमें से एक था नेपाल, वीर योद्धाओं और लुभावनी सुंदरता का देश। नेपाल की संस्कृति और परंपराएं इन पहाड़ों की तरह ही प्राचीन और समृद्ध हैं। यहाँ के लोग अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बदलाव की हवाएं चल रही थीं, जो अपने साथ एक दूर के साम्राज्य की गूंज ला रही थीं। ये हवाएं न केवल भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव भी ला रही थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन और संसाधनों की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर अपनी नजरें भारतीय उपमहाद्वीप पर टिका चुकी थी। कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि सत्ता और नियंत्रण भी था। जैसे जैसे कंपनी ने अपनी शक्ति मजबूत की, उसने अपने पड़ोसियों, जिनमें स्वतंत्र राष्ट्र नेपाल भी शामिल था, पर एक लंबी छाया डाल दी। नेपाल की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगा। सभ्यताओं के टकराव का मंच तैयार हो चुका था, एक ऐसा टकराव जो नेपाल की नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था, जिसने नेपाल के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। सुगौली संधि के तहत नेपाल से जो जमीनें छीनी गईं, वे केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं थे, वे नेपाल के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न अंग थे और आज भी हैं। तराई की उपजाऊ घाटियां, जो अब भारत का हिस्सा हैं, कभी नेपाल का अन्न भंडार हुआ करती थीं। ये जमीनें अपने लोगों की कहानियों, उनके गीतों, उनके त्योहारों और उनके दैनिक जीवन से गूंजती थीं। इन क्षेत्रों के नुकसान ने नेपाल की आत्मा को गहराई से घायल कर दिया, जिससे एक ऐसा घाव हो गया जो आज तक ठीक नहीं हुआ है। वह अदिति थी। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली संधि ने नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कड़वे संघर्ष की परिणति को चिह्नित किया। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद नेपाल के बहादुर गोरखा योद्धाओं ने अतिक्रमणकारी ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत पर काबू पाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। ब्रिटिश सेना की विशाल संख्या और आधुनिक हथियारों ने उन्हें एक निर्णायक बढ़त दी। ताकत की स्थिति से तय की गई संधि ने नेपाल को अपने क्षेत्र के बड़े हिस्से ब्रिटिश भारत को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें उपजाऊ तराई क्षेत्र, सिक्किम का रणनीतिक साम्राज्य और कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्से शामिल थे। यह क्षेत्र नेपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन क्षेत्रों का नुकसान नेपाल के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने उसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। औपनिवेशिक आक्रमण का प्रतीक यह संधि भारत और नेपाल के बीच संबंधों पर एक लंबी छाया डालती रहती है। यह निबंध ही यह संधि के आज भी दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित करती है, और इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। दबाव में नेपाल पर थोपी गई सुगौली संधि ने भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को फिर से खींच दिया। यह संधि 1815 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसने नेपाल के लगभग एक तिहाई क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिलाने को औपचारिक रूप दिया, जिसमें तराई के उपजाऊ मैदान और पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे। एक ऐसा नुकसान जो नेपाली मानस में आज भी गहराई से गूंजता है। यह केवल भूमि का नुकसान नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक आघात भी था। संधि के परिणाम स्वरूप
न केवल भूमि का नुकसान हुआ बल्कि सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी टूट गए। व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गए और सांस्कृतिक आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न हुई। गांव बांट गए, परिवार अलग हो गए और लोगों के बीच की दूरी बढ़ गई। यह विभाजन आज भी कई परिवारों के लिए एक दर्दनाक याद है और व्यापार और संस्कृति का मुक्त प्रवाह बाधित हो गया। नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कमी आई। उपनिवेशवाद के अन्याय की एक कठोर याद दिलाता है यह संधि, जो नेपाल के लोगों के लिए एक स्थायी घाव बन गई है। भारत और नेपाल के बीच नाराजगी और अविश्वास को हवा देता रहता है। यह संधि दोनों देशों के बीच संबंधों में एक कड़वाहट का कारण बनी हुई है, जो समय के साथ भी कम नहीं हुई है। भाग 5, पहाड़ों में गूंज। सदियों पहले हस्ताक्षरित सुगौली संधि आज भी नेपाल की पहाड़ियों और घाटियों में गूंजती है। यह संधि केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। यह नेपाल द्वारा सामना किए गए अन्याय और ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाता है। संधि का प्रभाव नेपाली लोगों के दैनिक जीवन में, उनके गीतों, उनकी कहानियों और उनकी आकांक्षाओं में महसूस किया जाता है। खोए हुए क्षेत्रों को वापस पाने का आह्वान केवल भूमि के बारे में नहीं है, यह नेपाल की आत्मा के खोए हुए हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। भाग 6, नुकसान की विरासत। विशेष रूप से तराई क्षेत्र के नुकसान का नेपाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने उपजाऊ मैदानों के साथ तराई न केवल नेपाल के लिए एक अन्न भंडार था, बल्कि राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। इस आर्थिक शक्ति केंद्र के नुकसान ने नेपाल के विकास और प्रगति को पंगु बना दिया। नेपाली लोगों की पीढ़ियां तराई क्षेत्र और शेष नेपाल के बीच आर्थिक असमानता को देखते हुए बड़ी हुई हैं। सुगौली संधि का प्रत्यक्ष परिणाम यह असमानता नेपाली लोगों में आक्रोश और अन्याय की भावना को हवा देती रही है। नेपाली लोगों में भाग 7, न्याय की कीमत। सुगौली संधि द्वारा नेपाल पर थोपे गए ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में भारत का अतीत के गलत कार्यों को सुधारने के लिए नैतिक और नैतिक दायित्व है। खोए हुए क्षेत्रों को नेपाल को वापस करना केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। यह भारत के लिए न्याय, निष्पक्षता और अपने पड़ोसियों के प्रति सम्मान के, अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का अवसर है। भाग 8, परेशान पानी पर एक पुल। खोए हुए क्षेत्रों को नेपाल को वापस करने से न केवल पुराने घाव भरेंगे, बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त होगा। यह द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी बाधा को दूर करेगा और नई संभावनाओं को खोलेगा और विश्वास और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देगा। इस तरह का कदम पूरे क्षेत्र में गूंजता रहेगा और स्थायी शांति का संदेश देगा, जो ऐतिहासिक विवादों को सुलझाने में बातचीत और सुलह की शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाग 9, कल का वादा। खोए हुए क्षेत्रों की वापसी से न केवल नेपाल को फायदा होगा, बल्कि भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को भी पूरा करेगा। एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध नेपाल भारत के हित में है। नेपाल की वैध शिकायतों को दूर करके भारत अपने पड़ोस में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। यह समय भारत के लिए अतीत की संकीर्ण सीमाओं से परे देखने और सहयोग, आपसी सम्मान और साझा समृद्धि द्वारा परिभाषित भविष्य को अपनाने का है। भाग 10, एकता का आह्वान।
नेपाल को खोए हुए क्षेत्रों को वापस करने का आह्वान टकराव का आह्वान नहीं बल्कि एकता का आह्वान है। यह भारत और नेपाल के लिए समान रूप से एक साथ आने, अतीत के अन्याय को स्वीकार करने और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने का आह्वान है जहां इतिहास, संस्कृति और भूगोल के बंधन विभाजित करने के बजाय एकजुट हों। यह न्याय, सुलह और ऐसे भविष्य के लिए आह्वान है जहां हिमालय एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि दो राष्ट्रों के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा हो। आज स्वाहा।